साल का हिसाब हमने निकाला, जिसने 350 करोड़ का चावल वापस लिए। और जब तक ये सरकार को सूचना मिली करीब 8-10 महीने पहले, उसके बाद से ये वसूली शुरू हुई। 115 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। लोगों ने मुख्यमंत्री के आगे ये कहा कि हम वो पैसा बर्बाद कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो उन्हें 1.5 साल का समय दिया गया था और वो लगातार वसूली हो रही है। हमारी सरकार के अंदर कोई चोरी नहीं हुई, पुरानी सरकार की चोरियों को भी वसूल करने का काम हमारे जिम्मे पड़ा है। एक बात देखने को मिला है कि राशन कार्ड में जो यूनिट होते हैं, यूनिट को कार्ड दिया जाता है जब व्यक्ति जाता है खाद्यान्न लेने के, तो वहाँ मना कर दिया था कि आप कट चुका है। इतना बड़ा घोटाला नया तरीके से किया जा रहा है, ये घोटाला नहीं है तो क्या है? ये घोटाला नहीं है। ये जो भी ये दुष्टता और गलती कर रहे हैं, एक भी शिकायत ऐसी नहीं है जिसका हम निराकरण ना कर रहे हैं। और यही वजह है कि पुरानी सरकारों में पूरे देश के अंदर ई पॉस मशीनें लगाई गई, पर उत्तर प्रदेश के अंदर ये मशीनें नहीं लगाई गई। 13,500 मशीनें हमने सरकार संभालते के साथ ही पहले साल में लगा दी। अगले 3 महीनों के अंदर हमारा लक्ष्य है कि 65,000 मशीनें और लग जाएंगी, जो इस प्रकार की जो शिकायतें हैं, इस प्रकार का जो जनता के साथ अन्याय है।